अमरीकी इलेक्शन और ट्रंप से मुतालिक मुशाहिद दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तान में दुरुस्त दोस्त की रिहाई के लिए अमरीका से कॉल आ सकती है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद का बोलियों से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ। बोले कि पाकिस्तान से ट्रंप का एक ताल्लुक रहा है जो भी अभी भी कायम है। उन्होंने काफ़ी अजियत बर्दाश्त की लेकिन वो डटे रहे। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक पेशगोइयाँ करने वालों को वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भरपूर जवाब। बोले कि बाज़ अफराद का कहना है कि अमरीका से कॉल आने की देर है, पाकिस्तान के इनकार की जरूरत नहीं होगी। उनसे कहता हूँ कि आप अपनी अदाओं पर गौर करें, हम गर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। सरप्राइज ना हो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आ सकती है अमेरिका से। आप भी ज़रा दस्त शफा करें और मेरा जो दोस्त है उसकी रिहाई के लिए वो आवाज़ उठाए। ये जिन लोगों ने ये बयान दिया है ना, मैं बगैर नाम लिए बात कर रहा हूँ, हम अपने मुफादात का तहफ़ करेंगे। हमने क्यों किसी का, जो नवाज शरीफ ने जो रवायत डाली थी, आज नवाज शरीफ का भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने भाई की रवायात को जो है ना उसका उसकी पास करें। पाकिस्तान में ये देखें जी, ट्रंप के एक ताल्लुक रहा है और मेरे ख्याल में वो अभी भी कायम है, और वो भी 34 केसेस उसके खिलाफ हुए, इल्ज़ामात भी लगे, काफ़ी अजियत भी बर्दाश्त की, मीडिया कैंपेन भी हुआ, वो कायम और दायम रहा। नवाज शरीफ को भी कॉल आई थी और कॉल के साथ $5 बिलियन भी थे, तो नवाज शरीफ ने ना की थी और एटमी धमाके कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।